नमस्कार दोस्तों, माई किसान दोस्त चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है यश जाट और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंजाब टोकरी मॉडल जो थ्रेसर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं जिनमें मैंने पूरे ही जो थ्रेसर है उसको पूरा ही दिखाया है कि ये कितने HP के ट्रैक्टर से चलेगा, इसमें आप कौन कौन सी फसलें निकाल सकते हो। साथ ही मैंने आपको इसके जो फंक्शन है वो सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, वो वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने सेकंड वीडियो बनाया था इसका, जिसमें मैंने इसमें कई प्रकार की जो फसलें हैं वो किस तरीके से किसान भाई निकालते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी की निकलती है, जिसमें गेहूं मैंने आपको बताया था, डालर चना, मेथी, इसबगोल आदि फसलें बताई थी। लेकिन दोस्तों मैंने इसमें जो सरसों है वो फर्स्ट बार निकाली है और वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि आपके उन वीडियो के ऊपर कई सारे कमेंट्स आए थे कि भैया इसका भूसा किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो थ्रेसर है पंजाब टोकरी मॉडल, ये अपना जो भूसा है वो किस तरीके से बनाती है, कितने छोटे टुकड़े करती है वो जानेंगे। और इनके जो डिटेल वीडियो है वो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं और सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों हमारा एक और चैनल है ट्रैक्टर्स की दुनिया, जिस पर हम ट्रैक्टर से जुड़ी तमाम जानकारियाँ डालते रहते हैं, मशीनरी संबंधी जानकारियाँ उस पर डालते हैं। तो आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ट्रैक्टर से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो ये मेरा खेत है और यहाँ पर ये सरसों जो है हमने काट रखी है। और उधर देखेंगे आप तो हमारा जो थ्रेसर है इसमें हम फर्स्ट टाइम सरसों निकाल रहे हैं। सरसों को MP में हम राइड़ा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सरसों जो निकालने का काम है वो चल रहा है हमारा। इधर ये खेत में सरसों कटी हुई है और हमने ये सरसों जो है नीचे से इसमें हमने काटी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये जो मशीन है सरसों का भूसा किस तरीके से बनाती है। सरसों का जो भूसा रहता है वो थोड़ा बड़ा ही बनता है, लेकिन जो गेहूँ का भूसा है उसमें काफ़ी छोटा बारीक बना सकते हैं हम। आप यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन ये बहुत ज़्यादा हवा की वजह से प्रेशर ज़्यादा रहता है तो काफ़ी जो भूसा है मेरे ऊपर भी आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जो भूसा है तकरीबन एक इंच के लगभग ये कटिंग इसकी करता है। और ये जो है मशीन है पंजाब टोकरी मॉडल इसे कहते हैं और इसे पंजाब एग्रो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है रामपुरा पुल और भटिंडा इसे है, ये पंजाब में इसकी बनती है। और यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की सरसों इसमें आपको निकलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये इस तरीके की सरसों इसमें निकल रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा और इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।